नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं। कंगना बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, हालांकि कई बार उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार कंगना रनौत ने एक बार फिर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। ये सभी जानते हैं कि कंगना रनौत कई बार राहुल गांधी पर तंज कस चुकी हैं, वहीं अब कंगना रनौत ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत जो है वो इन दिनों अपनी मूवी इमरजेंसी के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। फिलहाल कंगना की फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था कुछ वजहों के कारण, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म को पास नहीं किया था, लेकिन 18 तारीख के बाद अब इस चीज का ऐलान होगा, इस चीज के बारे में एक खुलासा होगा कि उनकी मूवी कब तक रिलीज हो पाएगी। हालांकि इस बीच वो लगातार अपनी इस मूवी का प्रमोशन कर रही हैं और हाल ही में अपनी इस मूवी के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में राहुल गांधी की जमकर खिल्ली उड़ाई, यहां तक कि उन्हें फुल टाइम कॉमेडी शो तक बता दिया है। बता दें कि कंगना रनौत जिस मीडिया हाउस को इंटरव्यू देने गई थी, उस दौरान वहां पर उनसे ये पूछा गया, उनका एक पुराना बयान कंगना का दिखाया गया, जिसमें कंगना रनौत ने बोला था कि आपने कुछ टाइम पहले राहुल गांधी को कार्टून बताया था, उनकी क्लिप दिखाई गई। अब आप एक बीजेपी सांसद बन चुकी हैं, अब आपके विचार क्या हैं, अब आपके विचार क्या बदल गए हैं? तो इसी बात का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने बोला, वो कार्टून तो थे ही, अब वो फुल टाइम कॉमेडी शो बन चुके हैं। तो इस तरीके की बात कंगना रनौत ने राहुल गांधी को की, कहा है, उनके बारे में बोला है। क्या कुछ कहा है कंगना ने राहुल गांधी को लेकर, चलिए आपको सुनाते हैं। पहले तो वो मुझे कार्टून लगते थे, लेकिन अब वो मुझे फुल कॉमेडी शो नजर आते हैं। जिस दिन राहुल गांधी संसद में आते हैं, उस दिन तो हमारा फुल एंटरटेनमेंट हो जाता है। अब उनका व्यक्तित्व वैसा है तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी बातें पूरे देश से छिपी तो नहीं है। संसद में खड़े हो जाएंगे, खुद को कहेंगे मैं शिवजी की बारात हूँ, बेसिर पैर की बातें करते हैं, भगवान की तस्वीर लेकर आते हैं। सबसे अच्छा तो जब प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो वो चुटकी बजाते हुए नजर आते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब पीएम फिर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो प्रधानमंत्री के पास आकर बेल में जाकर ये लोग खूब हंगामा करते हैं, ताकि प्रधानमंत्री की आवाज जनता सुन ना ले। इन लोगों को देखकर लगता है कि ये लोग देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं, उन्हें अभी ग्रो अप करने की जरूरत है। बता दें कि कंगना रनौत यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे भी राहुल गांधी को निशाने पे लिया और ये तक भी बोला कि वो बाहर जाकर देश विरोधी बयान देते हैं और देश के जो गद्दार हैं, देश एंटी लोगों से जाकर के वो मिलते हैं। तो इन सब चीज को लेकर के भी कंगना ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है कंगना ने, ये भी आपको सुनाते हैं। राहुल ने जो कहा उसे देश की नजरों में गिर जाना कहते हैं। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी महिलाओं का शोषण करती है, उनको खाना बनाने को कहती है, ज्यादा बात करने से रोकती है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे देश में सरकार पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, मतलब कोई सिर पैर ही नहीं किसी बात का। वे हर देश विरोधी आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो देखा आपने किस कदर कंगना रनौत एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने राहुल गांधी पर तंज कसा हो, इससे पहले भी वो कई बार राहुल गांधी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। कुछ वक्त पहले कंगना रनौत ने ड्रग टेस्ट कराने की भी सलाह दे दी थी राहुल गांधी को, इसके अलावा उन्हें सबसे खतरनाक इंसान भी बताया था कंगना रनौत ने। आपको बता दें कि कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। इस मूवी के अंदर कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म के टीजर और ट्रेलर को देखकर कंगना रनौत हूबहू इंदिरा गांधी की तरह ही दिखाई दे रही हैं। फिल्म में उनके साथ अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन और श्रेयस तलपड़े भी नजर आएंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कंगना रनौत ने अपनी इस मूवी को बनाने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है और काफी बिग बड़े बजट में ये मूवी बनाई जा रही है। और अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अगर ये मूवी रिलीज नहीं होती है तो कंगना को करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स के साथ इस मूवी को पास कर दिया है इमरजेंसी को, लेकिन अब ये कब रिलीज होती है और इसकी कब ऐलान होता है इसकी रिलीज डेट का, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वैसे जिस तरह से कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लताड़ा है और उन्हें कॉमेडी शो जैसा बता दिया है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।